ये जो रोड देख रहे हो आप उस तरफ, ये नाला है बेसिकली, इसको नाला कहते हैं। उधर की जो रोड है ये चाइना की रोड है। वाओ, और वो टावर भी चाइना का है। 1:42 हो रहा है टाइम, लेकिन इधर देखो 4:12, क्योंकि एयरटेल ने जो टावर पकड़ा है वो वहाँ का पकड़ा है, चाइना का। इस पहाड़ को मिनी कैलाश कहते हैं, इसके ऊपर शिव जी की स्थापना है। मतलब ये भी इतना हैरानी वाली बात लगी ना, यही पहाड़ है देखो ऊपर जो दिख रहा है रास्ता, ये मिनी कैलाश है। खराब रास्ते ही तो हैं, सूखे पहाड़ ही तो हैं, कुछ सुंदर लेक्स ही तो हैं, दुनिया की सबसे ऊंची रोड ही तो है, पर जहां ये सब देखने मिल जाए वो जगह लद्दाख ही तो है। किसी भी खूबसूरत जगह को छोड़कर अगले दिन आगे बढ़ना सबसे मुश्किल फैसला होता है, और ये सेम फीलिंग थी इस कैंप साइट को छोड़ना। मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक, माय नेम इज अनिरुद्ध एंड यू आर वाचिंग रुद्र शूट्स। और बाहर का ना एक बार व्यू दिखाता हूँ आपको, तो ये है कुछ खूबसूरत नजारा। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग अंशुमन जी। नींद कैसी आई? बढ़िया। तो नज़ारा कुछ ऐसा है, चाय हमारी आ गई, चाय देखो ये दोनों भी पी रहे हैं, और हमारी चाय यहाँ पे रखी हुई है, ये रही। तो पी रहे हैं चाय विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। तो बता, ये पैंगोंग है ना, ये इतना जम जाता है भैया बता रहे हैं कि तुम उसको बाइक चला सकते हो। तो जस्ट अभी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है एंड दिस वॉज द ब्यूटीफुल प्लेस। ये देखो यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है, नाइस। चलते हैं अब, बाइक हमारी उस साइड पर लगी हुई है सारी, रोड रोड करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगे। आज हमें पैंगोंग से हानले की तरफ जाना था, जो कि चुशुल से होता हुआ रास्ता निकलेगा, जहाँ हम रेजांगला वॉर मेमोरियल भी देखेंगे, और इसके बाद जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला करना है। और बस यही नहीं, इसके बाद एक और पॉइंट है देमचौक, जो कि लास्ट विलेज है इंडिया और चाइना के बॉर्डर रीजन पे, मतलब अक्साई चीन के रीजन पे, जहाँ पे आप सामने ही चाइना की रोड देख सकते हो। तो इससे पहले कि आज की वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग ट्रेल्स, जहां से आप नेक्स्ट ट्रिप पे हमारे साथ ज्वाइन भी हो सकते हो। आपको बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शंस मिल जाएंगे, पैकेजेस मिल जाएंगे, साथ ही साथ राइडिंग का भी सारा सामान अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, हेलमेट्स। 30th of November तक 10% डिस्काउंट चल रहा है वेबसाइट पे। एडिशनली 5% और डिस्काउंट चाहते हो तो मेरा प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर राइडिंग पैंट अगर आप बाय करना चाहते हो तो rudra_p। तो जब तक आप ऑर्डर कर रहे हो हम आगे बढ़ते हैं। अब मान विलेज से लेकर के चुशुल तक पैंगोंग आपके लेफ्ट साइड में चलती है, और उसका नजारा एक अलग ही दुनिया का एहसास देता है। जैसे ही आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत नजारा देख रहे हो, तभी आता है मेराक विलेज। और जब तक आप इन नजारों को महसूस कर पाओगे, ये रास्ता कब खत्म हो जाएगा और चुशुल विलेज आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अहमद, लैपटॉप, लाइट है, लाइट है ना यहाँ पे? लाइट नहीं ना। बोल रहे हैं लाइट, लाइट है, है, है। चलो चलो शाबाश, आ जाओ चप अब। अरे ये क्या, अरे बाप रे, यही तो कंटेंट है, कसम से मन कर रहा है यही खा लें सारा। यार ये ऐसे नहीं सजाना चाहिए था आपको यार, बहुत बदतमीज आदमी हो भाई भाई, आप लालच दे दे रहे हो एकदम। ये तो है, मैंने सोचा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे को करनी है वो है पीछे वाले कैमरे के डेटा ट्रांसफर, क्योंकि पीछे वाला कैमरा बंद हो गया है और हमारे नज़ारे जो है ना पीछे से जो बाइक का काफिला दिखता है वो सारा बंद हो गया है, तो वो करना है। पहले यार मेमोरी कार्ड निकाल के लेके आता हूँ। चलो जी ये रहा,
ये प्यारी सी चाय और डेटा ट्रांसफर हो जाए, बस यही उम्मीद है मेरे भाई। तो थोड़ा सा रुके, ब्रेक ब्रेक लिया, पीछे का जो कार्ड है जिससे आप ये देख रहे हो अभी जो ये सब लोग आ रहे हैं, ये खाली कर लिया बैठ के। यार मैंने कहा मज़ा तो आना चाहिए आपको, देखे तो सही काफिला चल कैसे रहा है, कहाँ कहाँ से बाइक्स निकल रही हैं, क्योंकि आगे शायद 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 वाटर क्रॉसिंग मिलेगी। भाई साहब ऑफ रोड ट्रैक पे 60 की स्पीड पे चल रहा हूँ मैं कभी नहीं चला यार पहले ना, मतलब हाँ आप लोग बहुत तेज जाते होंगे, बट मेरा राइनो कभी इतना नहीं चला यार, आई एम लविंग इट। तो ये रहा हमारा खूबसूरत तिरंगा और ये है रिजांगला 114 अहीर जवानों की कहानी। चुशुल पार करके आपको मिलेगा रिजांगला, जहां 1962 की इंडिया और चाइना की लड़ाई में करीब 114 जवान शहीद हुए थे और बदले में 1000 से भी ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था। वैसे तो हमने ये पूरी स्टोरी मई 2023 जो season 1 लद्दाख का था उसमें हमने कवर किया है, तो राइट साइड में आपको या लेफ्ट साइड में कहीं वीडियो का लिंक आ रहा होगा, तो आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहां क्लिक कर सकते हैं। और हमने इस जगह की अहमियत को फिर से एक बार जाके महसूस किया और फिर आगे बढ़ गए हानले के लिए। तो वॉर मेमोरियल से देखो निकल गए हम लोग आगे की तरफ, मज़ा आ गया एकदम, और पिछली बार भी वही एक्सपीरियंस था, मैं तो देख चुका हूँ, लेकिन यार जो लोग नहीं आए ना, अगर इस रूट से आप लोग निकलते हो, मैंने कई सारे बाइकर्स को देखा यहाँ से निकलते और वॉर मेमोरियल नहीं जाते हैं रिजांगला, तो यार मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाओ और वहाँ से कुछ लेके आओ। मैंने एक बहुत प्यारी सी डायरी ली है, शायद आज हानले पहुँच के आपको मैं दिखाऊँगा, डायरी मैंने खरीदी है सुवेनियर, थोड़ा सा डोनेशन आर्मी के लिए भी चला जाता है क्योंकि हमारे जवान बहुत मेहनत कर रहे हैं। वॉर मेमोरियल को पार करने के बाद ये रास्ता बद से बदतर होता चला जाता है, मतलब ये कि इस वैली में आपको रोड नहीं मिलेगी, और अगर रोड मिल भी गई तो 5-5 मिलेगी, जहां साइन बोर्ड्स ढूंढना बहुत मुश्किल होगा कि कौन से वाले पे जाना है, क्योंकि सारी ऑफ रोड है। सागा में कोई छोटी सी लेक बन रही है, बड़ा प्यारा व्यू है, देख रहे हो खूबसूरत। थोड़ा सांस लो, पानी पियो अगली बार सामान कम लाना। नहीं मैं ये नया खोद दिया, पहले नहीं था तो मैं श्योर नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं इससे निकाल देता, ये बीच में है ना, ये इजी रूट है, ये टफ है, ये वाला इजी है, बीच वाला वो आगे दिख रहा है आपको, वो सागा ला, ये सागा एक गांव है, तो सागा ला मीन्स पास, तो वहां से हम गुजरेंगे, हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का, इसलिए ऊंचाई आ रही है। season 2 यानी सितंबर के महीने में हमने एक चीज और नोटिस की कि जो रास्ते मई के महीने में ठीक थे वो अब सारे टूटे फूटे या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन थे, मतलब ये कि गुड न्यूज़ ये है कि आने वाले समय में रोड अच्छा हो जाएगा, पर बैड न्यूज़ ये है कि हानले तक शायद ऑफ रोड में ही जाना पड़ जाएगा। भाई लोगों रेत आ गई है बहुत ज़्यादा, देख रहे हो, ओए होए बहुत हल्का। इंडस रिवर के बगल से निकलते हुए और इस पूरे चैलेंजिंग रास्ते को पार करने के बाद हम पहुंचे लोमा ब्रिज।
पूरे रीजन में सिर्फ 3 पेड़ हो गए, देख रहे हो आप? वाओ, 4 पेड़ एक्चुअली। वाओ यार, ये लोमा है। और यहाँ आपके परमिट्स भी चेक होते हैं हालने में एंटर करने के लिए। तो जब तक यहाँ पे एंट्री हो रही तब तक एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, जो जेसीबी है पानी में डूबी हुई है, और ये मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ, मतलब 1.5 साल हो गया मेरे को अभी। ये जेसीबी ऐसे ही डूबी हुई है पानी में, पता नहीं क्या क्यों है। कभी जब पानी का लेवल नहीं होगा तब जेसीबी को अंदर डाला होगा और पानी का लेवल बढ़ गया होगा, और तब से आज तक निकाल ही नहीं पाए। भैया कैसा लगा हानने का सफर? भैया अच्छा लगा भाया। कैसा लगा भैया? बहुत ठंडा लगा भैया। क्या बात कर रहे भैया, बहुत ठंडा। चाय पी के गर्मी ला लो भैया, अभी हॉट वाटर में गर्म करूंगा अपना। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक। माई नेम इज अनिरुद्ध एंड यू आर वॉचिंग रूडर शूट्स। और आज है हम हाले में। व्यू एक बार देखो यार बाहर का, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और टेम्परेचर रात में तो शायद माइनस में गया था, बट अभी 3-4 के आसपास होगा। क्या सुंदर व्यू है। तो बाइक्स अपनी यहाँ पे लगी हुई हैं, थोड़ा सा व्यू व्यू क्लीन कर लेते हैं, इसके बाद रेडी करते हैं। फिलहाल चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। बहुत सुंदर स्काई है यार, ब्लू स्काई। आज हमें उमलिंगला तो जाना ही है, पर साथ ही साथ देमचौक भी जाना है, जो आखिरी विलेज है इंडो चाइना बॉर्डर पे। तो टाइम से जर्नी की शुरुआत की और 8:30 बजे ही हम अपने रूम से निकल गए। अब जो है पावर ड्रॉप शुरू हो गया है, और बढ़िया वाला ड्रॉप शुरू हो गया है। मतलब पीछे जो हमारे अंशुमन जी हैं उनके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कैसे उनको चढ़ाए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम रुक नहीं सकते। ओ क्या बात है, टेम्परेचर फ्रीजिंग है यहाँ पे। मतलब है 0 डिग्री से नीचे है टेम्परेचर। हाँ टेम्परेचर नहीं होगा, हवा नीचे होगी 0 डिग्री से। हाँ टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर तो फील हो जाता। सही है यार, उमलिंगला पे सारा लगेज यार हानले छोड़ के आना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वापसी का रास्ता हानले से ही बनता है, तो आप इजीली चढ़ा भी पाओगे। ये पैनियर जो सामने दिख रहे हैं बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ है नहीं। तो आप ये मत सोचना कि पैनियर लगे हुए हैं तो हम भी ले जा सकते हैं, मत ले जाना, देखो बर्फ़ कैसे जमी हुई है। तो ये है फोटिले, फोटिले आ गए भाई, फोटिले देख रहे हो। बी आर ओ वेलकम्स यू, 6th highest पास ऑफ द वर्ल्ड फोटिले। तो यार दो एक लोगों के स्प्रॉकेट टूटने लगे, तुम्हारे दिखाओ स्प्रॉकेट टूटे। आगे चलो और आगे। इतने ही होते हैं क्या स्प्रॉकेट आगे से? दांत पॉइंटेड नहीं होते, स्प्रॉकेट पॉइंटेड नहीं होते ना। सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम पाड़ दे। वाह यार, यहाँ धूप इतनी प्यारी आती है कि देखो फ्लावर्स और ये सब कितने प्यारे प्यारे खिले हुए हैं इस रीजन में। सिर्फ नीचे कुछ नहीं है, मतलब नीचे भी थोड़ा बहुत है, बट यहाँ बहुत सुंदर है। ओहो शुक्रिया शुक्रिया, ये हमारे बॉबी भाई साहब बांटते हुए एकदम रिफ्रेशमेंट्स। ऑन है कि नहीं? फालतू चिल्ला रहा हूँ। भाई ये वेज सामान है ना? ये भैया वेज है ना? सुनो ये इसमें डाल दो, ये इसमें रख लो, पकड़ो अभी मैं फेंक दूंगा बाद में। अरे यार ये उड़ गया भाई, कचरा यहाँ नहीं फेंकना, दबाओ इसको। तो कुछ लोगों का यहाँ पे प्लान बन रहा है कि उमलिंगला से वापस चले जाएंगे, क्योंकि यार ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन और ये सब बहुत दिक्कत होती है। तो पीछे चिसुमले रेस्टोरेंट है, हमने सोचा है वहाँ पे उनको बिठा देंगे, मतलब वहाँ से किसी एक लीड को पीछे वहाँ भेज देंगे। और हम में से कुछ लोगों का मन कर रहा है देमचौक जाने का, जो उमलिंगला से भी 30 किलोमीटर आगे है, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज दैट्स द लास्ट विलेज ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर, और मुझे देखना है। वाह 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 क्या बात है, खूबसूरती। क्लाउड्स देख रहे हो? क्लाउड्स मैन दिस इज डिफरेंट, यू आर हायर देन एवरेज बेस कैम्प। यहाँ हमारा स्टिकर लगा होगा, हटा दिया, सारे हटा दिए भाई साहब, सब गायब। इस रोड पे पता नहीं क्यों हर बार आंखें भरती हैं, हर बार कुछ तो है यार। शायद
एक इतिहास जो आप रचने जाते हो ऊपर, या फिर इसका संघर्ष हर बार आंखें भरती है 1000 meters टू रीच उमलिंगला। उमलिंगला हाय, यू सब्सक्राइबर? ओह हाय मैन, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु? या। इज योर नेम? हां, योर नेम अरविंद। अरविंद? या। डिड वी टॉक एवर? सब्सक्राइबर, आई एम फॉलोइंग यू सिंस योर लास्ट टाइम। The May 2023. Yeah, yeah. Oh, how are you? Yeah. Time है 12:44. Temperature 0 degrees. 0 degree के आसपास है. अभी 12:42 है. थोड़ा सा देम चौक की तरफ जाएंगे तो टाइम चेंज हो जाएगा. ये टाइम आपको जो दिख रहा है ये टाइम चाइना का हो जाएगा यहाँ पे. हो ठंड है बहुत ज़्यादा, ये हवा मार रही है. World's highest parking, Oxygen Cafe. World's highest MI room, world's highest washroom, सब कुछ यहाँ मिलेगा. Welcome to Umlingla Hut. इतनी खुशी हो रही है भाई, क्या बताऊं मैं आप लोगों को, इतनी खुशी हो रही है. और हम 5 राइडर्स निकल रहे हैं आगे, बाकियों को हमने ऑक्सीजन कैफ़े में बिठा दिया क्योंकि उनकी थोड़ी सी हालत ख़राब है. तो ऑक्सीजन कैफ़े वगैरह सब कुछ ऊपर खुला हुआ है. तो 5 राइडर्स हम जा रहे हैं देम चौक. ये रास्ता शायद नीचे जा रहा है देम चौक के लिए. यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है कि बाइक अपने आप जा रही है, अपने आप भाग रही है. वो बहुत तेज़ जा रही है, कंट्रोल करना पड़ रहा है. और आई थिंक अभी हम बहुत डिसेंट कर गए हैं, 19,000 से 13,000 फीट पे आ जाएंगे शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि डेम चौक जो है काफ़ी नीची जगह पे है. अहमद का पीछे वाला ब्रेक जो है वो गया, जो प्रेशर की वजह से हो जाता है ना ज़्यादा यूज़ करने पे. क्या हुआ? हाँ प्रेशर चला गया होगा, प्रेशर चला गया होगा. पीछे का ब्रेक मत दबाओ ना भाई, इंजन ब्रेक पे चलो, सेकंड गियर से ऊपर मत जाओ, सिर्फ सेकंड गियर, इंजन ब्रेक पे खेलो. मैं खुद वही कर रहा हूँ, चला जाएगा, नहीं तो चढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ उतरने में. नदी यार देखिए उधर लेफ्ट में, अरे भाई साहब क्या सुंदर है यार, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ब्लू और ग्रीन मिलेगा पानी. तो देखो ना ये पौधे कहाँ मिलेंगे यार पूरे लद्दाख में, ये मौसम कहाँ मिलेगा लद्दाख में. मेरे को तो नुब्रा भी कुछ नहीं लग रहा है इसके सामने यार. वेलकम टू देम चौक, ये बंदे पहुँचे हुए हैं देखो यहाँ ऑलरेडी. ओए ओए एक ही बाइक है ये देखो, तुम्हारा वो है ना जियो, इंडिया का ले रहा है. देखो 4:12 हो गया, 4:12 1:42 हो रहा है टाइम, लेकिन इधर देखो 4:12 क्योंकि एयरटेल ने जो टावर पकड़ा है वो वहाँ का पकड़ा है, चाइना का. चलो जी, तो यहाँ पे हमने एंट्री करा ली, वो सर खड़े हुए हैं. और एक बहुत बढ़िया अपडेट है, गुड न्यूज़, कि हम अंदर भी जा सकते हैं. और अंदर ना सबसे पहले एक चीज़ दिखा दूँ, वो दूर आपको रोड दिख रही है वो मिंगला पास है, जो उमलिंगला से भी ऊपर बन चुका है 19,400. वो स्टारमैक नहीं बिछा हुआ है, मिट्टी का रोड है वहाँ पे 19,400 फीट, लेकिन ऑफिशियली अभी नहीं हुआ है इस वजह से उसको कोई नाम नहीं दिया है. बट अंदर अभी चलते हैं और अंदर का एक बार देखते हैं क्या सीन है. हवा ए राइनो, राइनो चार्ज, ये भी राइनो अपना, ये देखो राइनो. डिफेंस के हम अंदर घुस गए और उन्होंने बोला कि आप शूट भी कर सकते हो, बस डिफेंस की चीज़ें नहीं आनी चाहिए. परमिशन ली है हमने प्रॉपर. और यहाँ पे ना राइट साइड में आगे जाने के बाद LAC आ जाएगी और उस तरफ चाइना की रोड दिखेगी. ओहो इतना एक्साइटेड हूँ ना मैं देखने के लिए कि वो जो रोड है वो इंडिया के अंडर नहीं है, वो रीजन चाइना के अंडर है. इस पहाड़ को मिनी कैलाश कहते हैं, इसके ऊपर शिव जी की स्थापना है. मतलब ये भी इतना हैरानी वाली बात लगी ना, यही पहाड़ है देखो ऊपर जो दिख रहा है रास्ता, ये मिनी कैलाश है. चाइना को देखने का मौका मिला है. वो सामने आप देख रहे हो जो चेक पोस्ट है, ऊपर जो पोस्ट और टावर लगा हुआ है वो चाइना का है, वो इंडिया का नहीं है. वाओ मैन, बहुत अलग सा फील हो रहा है मेरे को. और यहाँ हॉट स्प्रिंग तक हम आगे जा सकते हैं, उस हॉट स्प्रिंग के बाद ना एक नाला आएगा, नाला के उस तरफ जो है वो चाइना है, इधर इंडिया है.
तो ये जो रोड देख रहे हो आप उस तरफ ये नाला है, बेसिकली इसको नाला कहते हैं। उधर की जो रोड है ये चाइना की रोड है। वाओ, और वो टावर भी चाइना का है। ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत अनोखा था। सिर्फ अपनी आंखों से एक दूसरे देश की सड़क देखना और आर्मी ऑफिशियल्स का हमें परमिशन देना, मानो किस्मत भी कह रही हो कि लद्दाख आए हो तो कुछ नया देखते जाओ। तो हम 5 राइडर्स यहाँ से वापस गए। रिमेनिंग जो हमारे ग्रुप मेंबर्स थे उनसे हमने वापस मीटअप किया और फिर हानले में अपने स्टे की तरफ चल पड़े। कुछ इस तरीके से ख़त्म हुआ आज का हमारा एक खूबसूरत दिन, क्योंकि हमें कल पुगा वैली जाना है जहाँ पे आपको नेचुरली क्योरिंग हॉट वाटर स्प्रिंग्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो शेयर करते रहना यार। एंड अनटिल वी मीट यू नेक्स्ट टाइम, बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय। भैया सही बताओ, सीधा जा रहे हो? चढ़ जाएगा? अरे भाई गंदा, अरे गंदा है, गंदा है भाई, गंदा है, गंदा है भाई। नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा यार। मोई भाई तुम्हारे चक्कर में लौंडे पिल जाएंगे पीछे। अरे पीछे बंदे भी तो हैं। अहमद तो गोली आएगा भाई, ये ना रुकता। इनने घुसा दी यार, ऑफ रोड में डाल दी, मैं भी डाल दिया रेती रेत। Think about me one more time before